हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बिहार के नगर निकायों में बंपर बहाली निकल कर आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपको बता दें कि पद कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर, IT बॉय, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी पदों पर ये बहाली निकल कर आने वाली है। पद संख्या की बात करें तो 1000+ पद यहाँ पर निकल के आ सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि नगर निकाय के 117 यानी आपके बिहार के नगर निकायों में 117 नगर निकायों में लगभग 8 से 10 कर्मचारी रखे जाएंगे। तब आप काउंटिंग कर सकते हैं कि 1000+ पद यहाँ पर होंगे। और मेल एंड फीमेल इसके लिए दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट सभी को यहाँ पर मौका देखने को मिलेगा। तो आवेदन कब से लिया जाएगा ये सारी जानकारी आपको आगे चल के वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दैनिक जागरण में ये आर्टिकल निकाला गया है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूज़ निकाली गई है, नए शहरी निकायों में होगी बहाली। जी हाँ फ्रेंड्स, IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के पद के लिए आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति होगी। तो बहाली ये आउटसोर्सिंग पर की जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो पेपरबाजी होगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी बिहार की ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो कि पेपर में ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये अर्जेंट बहाली है, इसलिए मैं भी 70% आशा लगाया हूँ कि ये बहाली निकल कर आ सकती है। क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, 48 घंटे में नए निकायों में शुरू होगा नाला उड़ाई, और साथ में यहाँ पर जल जमाव से बचने के लिए 5 लाख रुपये तक कर सकेंगे खर्च। तो इन सभी परेशानियों से निकलने के लिए ये वैकेंसियाँ हालांकि निकाली जा रही हैं। तो आपको पता है कि बिहार में हर बार जब बाढ़ आती है तो क्या हाल होता है, और वही चीज़ें आज भी होने वाली हैं। इसी वजह से यानी कि अब जब बरसात आने वाली है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर अर्जेंट बहालियाँ ये निकल कर आ सकती हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही ये बहालियाँ निकाली जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि 117 नए नगर निकायों को किया गया है गठन, 2022 के मार्च माह तक लेनी है बहाली। अब आप देख पा रहे हैं कि 2022 आएगा उसके मार्च माह तक बहाली ले ली जाएगी, और उससे पहले का क्या क्या प्रोसेस रहेगा ये सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि हर कार्यालय के लिए 8 से 10 कर्मचारी, यानी कि नए 117 नगर निकायों में खुलने वाले नए कार्यालयों में IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षण के पद के लिए आउटसोर्सिंग पर बहाली होगी। नगर पंचायतों में 8 जबकि नगर परिषद में अधिकतम 10 कर्मचारी रखे जाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बम्पर बहाली कही जा सकती है बहुत सारे पद, क्योंकि यहाँ पर 8 और 10 की बात कही जा रही है, और 117 नगर निकायों में बहाली होगी। आप काउंटिंग कर सकते हैं कितनी बहालियाँ निकल कर आ सकती है। और इसके अलावा सभी निकायों में साफ सफाई के लिए करीब 3 से 4 हज़ार सफाई कर्मी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3 से 4 हज़ार जो सफाई कर्मी होंगे, सफाई निरीक्षण होंगे, उनका क्या है कि एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे, ठीक है। जो नाली वगैरह के साफ करने में जो बरसात में दिक्कतें आती हैं नाली के जमाव के कारण, तो इन सभी को देखते हुए ये इमरजेंसी बहालियाँ निकाली जा रही हैं। 20 से 25 हज़ार के किराए पर कार्यालय लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिया गया है कि शहरी निकायों के लिए कार्यालयों के लिए करीब 1000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस बात का जो आदेश जारी किया है, और हर हाल में 31 मार्च 2022 तक बहाली की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था, और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि सबको ये जानकारी पता चल सके, और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहाली सबके नज़र में आए और जल्द से जल्द निकल कर आ जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बहाली से जुड़ी कोई भी अपडेट निकल के आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये न्यूज़पेपर सेंड कर दिया जाएगा, साथ में फेसबुक पेज पे भी सेंड कर दिया जाएगा। एक ऑनलाइन पॉइंट सर्च करके आप फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे कोई भी अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे, सही और सटीक जानकारी देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।